मेरी बात सुनो। अरे मोहन, कोई बैरी भी एक माँ की हाय नहीं लेता। ले मोहन, मेरा सर चुकवा ले। बता मोहन, मैं क्या करूँ, क्या करूँ? नाक रख लूँ, सर पटक बोल। बोल मोहन, मैं ऐसा क्या करूँ जो तेरे बैर की आग ठंडी हो जाए? बोल मोहन, क्या करूँ मैं? पता, झूठे, झूठे ये सब। मोहन जी ने आयुष और तेजस को हमेशा अपने सगे बेटों जैसा प्यार दिया है। अरे ये सब झूठे, तो सच क्या है? अरे कोई बच्चों को जेल में भिजवाता है क्या? सच तो ये है कि सच्चाई मैं बताती हूँ। सच्चाई तो ये है कि मोहन ने बच्चों पर वार किया है, वार। ऐसा सोचा नहीं था। तू बच्चे लोगों को धंधे का तरीका सिखाना चाहता था या जिंदगी भर का सबक सिखाना चाहता था? मैं तो ये भी नहीं सोचा कि संबंधों में से बच्चों का विश्वास हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। हेलो सर, मैं मोहन नानावटी, लड्डू गोपाल पापड़ कंपनी का मालिक। बैठिए। वो मेरे दो भतीजे। हाँ, आयुष नानावटी और तेजस नानावटी, अंदर कर दिया दोनों को। दोनों ने अपने बयान में लिखा है कि ये मिलावट वगैरह उन्होंने की थी। ये झूठ है। वो मुझे बचाने के लिए सारा गुनाह अपने सिर ले रहे हैं। कंपनी का मालिक मैं हूँ। कंपनी में जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है। अब आयुष और तेजस को प्लीज छोड़ दीजिए। उन दोनों को छोड़ दूं तो मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। मैं आपको अपना बयान लिखकर देने के लिए तैयार हूँ। कहीं आप उन दोनों को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? आप ये नहीं जानते कि आप क्या करने जा रहे हैं। इस तरह बयान लिख के देने से आपकी कंपनी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, समझ रहे ना? जी, मैं जानता हूँ। अगर मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया तो शायद मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने अपने बच्चों को इस तरह सजा पाने के लिए छोड़ दिया तो मेरी आत्मा खत्म हो जाएगी। बेटा, आ गए तुम दोनों। पुलिस ने तुम दोनों को बहुत तकलीफ तो नहीं दी ना? तुम दोनों को देखने के लिए मेरी सांसें सूख गई थी। बेटा, दोनों ठीक तो हो ना? मम्मी, हम दोनों तो ठीक है, मगर मोहन का खबरदार, जो उसका नाम भी लिया है तो उसकी वजह से आज इतना भुगत रहे हो तुम। अब बस, तुम दोनों को तभी समझाया था कि अपने पापा के कारोबार में लग जाओ, लेकिन नहीं माने। अब देखो, हमारे पूरे परिवार में आज तक कोई पुलिस स्टेशन नहीं गया, और आज तुम दोनों बेकसूर होने के बावजूद भी जेल की हवा का कराए। उनका हिस्सा मोहन जी ने अपने सर ओढ़ लिया है। मोहन जी खुद पुलिस की हिरासत में था कि ये दोनों आजाद हो सके। तो अब एहसान जताने आई है ना? मोहन की करनी का फल तो वही भुगतेगा ना, मेरे बेटे क्यों भुगतेंगे? नहीं मोटा भाभी, ऐसा नहीं। मोहन जी बेकसूर है, वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते। हाँ हाँ, वो कैसे कर सकता है? मेरे बेटे ने ही किया होगा। हो सकता है कि आयुष और तेजस से गलती हुई, या कारखाने के किसी मुलाजिम ने ऐसा कुछ किया हो। मोहन जी उतने ही बेकसूर है जितने आयुष और तेजस। आपसे विनती करती हूँ, प्लीज प्लीज मोटा भाभी, प्लीज उनकी जमानत करवा दीजिए।